नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के मंगल पड़ाव इलाके में। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस वक्त झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है, तो इस वक्त जो है पूरे हल्द्वानी में बारिश हो रही है। ऐसे में थोड़ा सा ठिठुरन भी बढ़ गई है ऐसे पूरे क्षेत्र में। इसके साथ ही गर्मी से भी काफ़ी राहत अब थोड़ी सी देखने को मिली है। आज पूरा दिन धूप नहीं थी, आज पूरे दिन लगभग ठंडा मौसम आज देखने को मिला था। ऐसे में लोगों को जो धूप है, जो गर्मी है, जो तपती गर्मी है, उससे काफ़ी राहत आज देखने को मिली है। हालाँकि आपको बता दूँ कि 3 दिनों का जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं 2 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं इस बारिश की वजह से कह सकते हैं कि फसलों पे भी काफ़ी फ़र्क इस वक्त पड़ा होगा कि बारिश की वजह से जो फसलें उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा होगा, किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ होगा। वहीं आपको बता दें इस वक्त जो है पहाड़ों में बर्फबारी इस वक्त हो रही है और बर्फबारी की आशंका जताई गई थी आज। आपको बता दूं आज नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में भी आज काफ़ी बारिश आज देखी गई है। सुबह से ही वहाँ पर बारिश हो रही थी। वहीं अब हल्द्वानी में इस समय बारिश अब हो रही है। ऐसे में लोगों को काफ़ी जो गर्मी से काफ़ी राहत अभी देखने को मिली है। मैं आपको बता दूँ आज के लिए जो है जिस बारिश के लिए मौसम का पूर्वानुमान पहले ही जारी किया गया था कि आज बारिश होगी, वहीं कल के लिए भी ये बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। अब देखते हैं कल किस तरह का मौसम रहता है, क्या कल भी आज की तरह ही मौसम से जो गर्मी से जो राहत है वो मिल सकेगी, या फिर कल भी क्या फिर कल धूप देखने को मिलती है। तो जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं वैशाली अपने सहयोगी अभ्युदय के साथ जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।